आयोटा हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 8 करने वाले हैं अरसे गवाल चैप्टर नंबर 17A वॉल्यूम सरफेस एरिया अरसे गवाल के नए एडिशन 2020 के एडिशन से। देख लो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और इससे पहले के हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन वो सब मैंने सॉल्व करा रखा है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या प्रॉब्लम है उसका बेसिक्स नहीं मालूम है आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ जहाँ कि आपको चैप्टर वाइज हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ द डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू बोल रहा है कि 12 टॉयज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। देखो क्या बोल रहा है, बोला कि एक आपका सिलेंडर है, हमें बोल दिया कि एक सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 दिया हुआ है और हाइट हमें 15 दिया हुआ है। देखो ये रहा हमारा वो आपका सिलेंडर, सपोज ये सिलेंडर रहा हमारा, ठीक, और इस सिलेंडर का आपको जो डायमीटर है, डायमीटर 12 दिया है तो रेडियस कितना हो गया 6, आर इज इक्वल टू हो गया 6, और हाइट जो है इस सिलेंडर का, ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है, दिस हाइट इज गिवन 15 सेंटीमीटर, इट इज 15 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे से सॉल्व करते हैं, देखते क्या बोल रहा है। बोल रहा कि इसको ना पिघला दिया गया, सॉलिड लोहा का ये उसको पिघला करके 12 टॉयज बनाया गया। और टॉय कैसा बना है, तो 12 टॉयज बना है, वो ऐसा बना है कि एक उसका जो है ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है नीचे और ऊपर जो है कोन है, इस तरीके से ऐसा टॉय बनाया गया है। कितना टॉय बनाया टोटल, 12 टॉय बनाया टोटल, 12 टॉय। और बोल दिया गया है इसमें कि फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। हमें बोला कि इसका रेडियस निकालिए कि ये रेडियस कितना होगा, इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ, स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट क्या होगा, और हाइट इस कोन का हाइट यानी टोटल हाइट हमें बोला कि टोटल हाइट क्या होगा, टोटल हाइट निकालिए, टोटल हाइट को मैं कैपिटल एच से डिनोट करता हूँ, कैपिटल एच, तो टोटल हाइट निकालने के लिए बोला। और आगे हमें एक थोड़ा सा हिंट दे दिया है, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस, अगर इस कोन का जो हाइट है वो 3 टाइम्स है आर के, यानी कि जो स्मॉल एच है ना, यानी कि ये जो एच है हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एच है, ये स्मॉल एच इज इक्वल टू 3 आर दे दिया है, 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो स्मॉल एच इज इक्वल टू 3 आर हो गया, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखो जो इसका वॉल्यूम होगा वही 12 टॉय का वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसी को पिघला करके ये बनाया गया। सपोज एक ग्लास में पानी है, उस ग्लास के पानी को मैं क्या कर रहा हूँ, मग में डाल देता हूँ, तो उस पानी को जब मैं मग में डालूंगा तो शेप चेंज हो गया ना उसका, पहले वो ग्लास के अंदर में था तो अलग शेप में था, अभी मग में हो गया तो अलग शेप में हो गया, मगर दोनों का वॉल्यूम जो है ना वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, होता है कि पाई आर स्क्वायर, आर हमारा बड़ा वाला आर है यहाँ पे ना, तो बड़ा वाला आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच हो गया हमारा सिलेंडर का एच, यानी कि 15 दिया है तो 15 मिल गया हूँ। चलिए तो आर पाई की जगह पे पाई, तो आर हमारा कितना दिया, 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 × 6 × 15 × पाई। चलिए तो इसको अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 6 = 90 और 90 × 9 = 54, यानी कि 540 पाई हो जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इतना ही वॉल्यूम होगा हमारा 12 टॉय का, ऐसा जो 12 टॉय बनाया जा रहा है, इसी को जब पिघला के बनाया जा रहा है, तो ऐसा 12 टॉय के बराबर होगा तो इसका जो वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये क्लियरली है कि जो वॉल्यूम है और 12 टॉय का जो वॉल्यूम है दोनों का सेम होगा, यानी कि ना तो वॉल्यूम ऑफ 12 टॉयज इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा इतना ही 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 12 टॉय इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर, क्योंकि सिलेंडर को ही पिघला के 12 टॉय बनाया गया है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है हमारा आ चुका है 514 पाई। चलिए तो एक टॉय का वॉल्यूम कितना होगा, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ईच टॉय यानी कि हर एक टॉय का वॉल्यूम क्या होगा, हर एक टॉय का कितना होगा, तो जाहिर सकते 540 पाई अपॉन हो जाएगा 12। अरे मेरे भाई, अगर 10 अंडे का दाम 50 रुपये है तो एक अंडे का दाम कितना होगा,
तो 50 घटा 10 कर देंगे तो एक अंडे का दाम निकल जाएगा। उसी तरीके से 12 का जो वॉल्यूम है वो 540 पाई है, तो एक 12 का वॉल्यूम कितना हो, तो इतना बटा 12 कर देंगे तो उसको काटो तो कटेगा 48 हो गया, 49 50 50 60 आ गया, 12 5 60 यानी कि 45 पाई आ जाएगा। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू हो जाएगा 45 पाई, ये आ गया 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वन टॉय का वॉल्यूम आ गया 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ चुका है। अब आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे समझना और देखना कि हमें बोला गया कि इसका एच निकालिए, कोन का हाइट निकालिए, तो कोन का हाइट क्या होगा देखो, तो ना वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यही ये एक का है ना वॉल्यूम ऑफ कोन, एक में क्या है हमारा, एक टॉय में कोन है और हेमिस्फीयर दोनों है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ देंगे तो एक टॉय का जो वॉल्यूम यानी कि 45 पाई है इसके बराबर होगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इन दोनों के वॉल्यूम को जोड़ेंगे कितना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो है फॉर्मूला लगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, बात समझ रही है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हैं वो डालेंगे, देखो तो 1/3 को 1/3 लेता हूँ, पाई को मैं पाई रहने देता हूँ, और आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, इज इक्वल टू तो 45 पाई है ना, 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसको रहने दें। अब देखो एच जो है हमारा हाइट, हमें रिलेशन दिया गया था कि एच इज इक्वल टू 3R, बोल दिया था कि हाइट जो है हमारा हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 3R के बराबर है, इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस, रेडियस के 3 गुना है हमारा, ठीक है ना, तो ये तो आर स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर रहने देता हूँ अभी, ठीक है, इंटू एच के जगह पर मैं 3R डाल देता हूँ जो कि हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो यानी कि एच के जगह पर मैंने डाल दिया 3R, ठीक है। चलिए प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब जो चीज़ें कॉमन है तो कॉमन हम लोग उठा लेते हैं, हमारा काम इजी हो जाएगा, 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, तो कॉमन खींच लो, ठीक है, तो चलिए मैं कॉमन लेता हूँ, तो 1/3 कॉमन ले लिया, पाई भी है यहाँ भी, पाई यहाँ भी है, तो पाई कॉमन ले लिया, देखो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब यहाँ भी है, आर क्यूब यहाँ भी है, तो आर क्यूब को भी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा सिर्फ 3 बचेगा, तो 3 प्लस और यहाँ पर बचेगा 2 और कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, इज इक्वल टू 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, अब वैल्यू डालते हैं, तो वैल्यू देखो ये वाला पाई से और ये वाला पाई तो खत्म हो गया हमारा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए अब ये 3 को मैं उधर भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में भेज दूँ, तो आर का जो वैल्यू है आर क्यूब, आर का तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, आर ही तो हमको निकालना पड़ेगा, तो चलिए आर क्यूब को मैं आर क्यूब रहने देता हूँ, आर क्यूब इज इक्वल टू इस 3 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 भी है, 3 + 2 5, तो आर क्यूब इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या कि 45 और ये 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई विथ 3, इस 5 को भेजो उधर तो बाय में आएगा, तो दिस इम्प्लाइज आर क्यूब इज इक्वल टू 45 इंटू 3 बाय 5, तो 5 से 5 = 45, ठीक है। तो चलिए यानी कि आर क्यूब इज इक्वल टू हमारा आ गया, दिस इम्प्लाइज आर क्यूब इज इक्वल टू हो गया 9 × 27 किसी का क्यूब है, 3 का क्यूब ही तो 27 होता है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको ले देता हूँ, जगह कम है ना हमारे पास में, तो इसीलिए अब जो है मैं यहाँ पर ले देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखा, तो देखो आर क्यूब इज इक्वल टू हो गया हमारा 27, देयरफोर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, कैसे हो गया आपको मालूम है, क्योंकि आर क्यूब है और यहाँ पर 3 का क्यूब होता है 27, तो क्यूब से क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू आ गया 3, यानी कि रेडियस जो है हेमिस्फीयर का वो 3 आ गया, तो एच है हमारा 3R, तो देयरफोर हाइट ऑफ द कोन यानी कि एच इज इक्वल टू हो जाएगा 3R यानी कि 3 × 3 यानी कि एच इज इक्वल टू आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर।
तो हाइट आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। तो जब आपको बोला गया कि टोटल हाइट बताइए, तो टोटल हाइट हो जाएगा हमारा 9 और प्लस 3 12। तो आप लिख देना कि टोटल हाइट, तो देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 3 12, तो 12 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट हो गया हमारा 12 और हाइट ऑफ द टॉय हो गया 9। टॉय का हाइट जो है, कौन का हाइट, वो 9 हो गया, कौन नहीं, टॉय नहीं, हाइट ऑफ द कौन हो गया हमारा 9, और जो रेडियस है वो रेडियस आ गया हमारा 3। तो हर एक चीज़ निकल गया। आई होप आपको उस पर समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो कैसा लगा हमारा एक वीडियो कॉन्वर्सेशन में, जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को तो अभी आप सब्सक्राइब कर दें, आपको फर्दर आगे बहुत काम आने वाला है, अभी भी 11th में भी 12th में भी हर जगह काम आने वाला है ये। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 9 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें। जय हिंद, जय भारत।